बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे बड़े नेता, हम सबके लाडले माननीय नरेंद्र मोदी जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन करें। आज के इस कार्यक्रम में हमारे पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय सतीश पूनिया जी, हमारे यहाँ के प्रत्याशी भाई देवेंद्र झाझड़िया जी, झुंझुनू के प्रत्याशी शुभकरण जी चौधरी साहब, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्मानीय राजेंद्र राठौड़ जी, हमारे कैबिनेट में मंत्री भाई अविनाश गहलोत जी, भाई हरलाल सारण जी विधायक चूरू, संजीव बेनीवाल जी विधायक भादरा, अभिषेक जी मटोरिया पूर्व विधायक, अवनेश जी महर्षि साहब, बसंत जी शर्मा साहब, संतोष जी मेघवाल, सुमित्रा जी पूनिया, राजकुमार जी रिड़वा, राजकरण जी चौधरी, राकेश जी जांगड़, पराक्रम सिंह जी, महावीर जी पूनिया, अशोक पीचा जी, खेमराज मेघवाल जी, नरेंद्र खीचर जी, धर्मपाल जी, मंच पर विराजमान सभी नेतागण, और चूरू के गांव गांव ढाणी ढाणी से आए ये चूरू के वो किसान भाई जिनका बेटा सीमा पर 50 डिग्री टेम्परेचर में काम करता है और या 0 माइनस में काम करता है, और यहाँ का किसान जमीन का सीना चीर करके अनाज पैदा करता है। ऐसे मेरे किसान भाइयों, गांव गांव ढाणी से आए मेरे पूजा योग्य बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मित्रों, मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस चूरू की धरा पर स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूं, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका परिवार पूरा देश है, सभी लोग उनके परिवार के हैं। आपने देखा होगा मित्रों, जब दीपावली आती है तो हम आप घरों में दीपावली परिवार के साथ घरों में मनाते हैं, और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमारे सैनिक भाइयों के साथ सीमा पर जाकर के दिवाली मनाते हैं। ये हमारे नरेंद्र मोदी जी, जिस तरह से दुनिया भर में यहाँ की अर्थव्यवस्था कि अगर हम बात करें तो दुनिया की अर्थव्यवस्था कोरोना के समय में चिंता कर रहे थे, और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ बढ़ रही है और उसको बढ़ाने का काम किया। दुनिया में जो जितनी भी संस्था है वो भारत की अर्थव्यवस्था की तारीफ कर रही थी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बधाई दे रही थी। दुनिया भर के सर्वे में अगर लगाएं तो आज कोई भी दुनिया का नेता हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने कोई भी लीडर उनके और पास नहीं है। दुनिया की सबसे 85% लोगों की पसंद हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं मित्रों, सऊदी अरब, अफगानिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात, रूस, बहरीन, भूटान और फिजी सहित कई देशों ने सर्वोच्च सम्मान से नवाजने का काम अगर किसी को किया है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किया है। आज आप शेखावाटी की धरती पर आए जहां हर एक घर से एक नौजवान सेना में जाता है, दूसरा जवान खाड़ी देशों में जाकर अपना नाम रोशन करता है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की वजह से भारत के पासपोर्ट का वजन बढ़ा है,
हमारे पासपोर्ट का वजन बढ़ा है, विदेश में रहने वाले भारतीयों का मान और सम्मान बढ़ा है। जब वो हवाई अड्डे पर कहीं किसी देश पर उतरता है तो जिस सम्मान के साथ भारतीयों को देखा जाता है, ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारे पासपोर्ट का वजन बढ़ाया है, वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बढ़ाया है। आपके कर कमलों से यूई में बने पहले मंदिर का उद्घाटन माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आपने विदेशों में रहने वाले भारतीयों में जो विश्वास पैदा किया है, उन्हें गर्व के साथ वो विश्वास भर देता है और दुनिया में वो अपने आप को समझते हैं कि हम हमारी भारत माँ के रहने वाले हैं, हमारा स्वाभिमान और सम्मान किस तरह से दुनिया के लोग करते हैं। ऑपरेशन कावेरी से सूडान में फंसे भारतीयों को निकाला गया। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया और ये हमारे प्रधानमंत्री जी का ही प्रभाव था कि भारत का गारंटी बन गया और युद्ध क्षेत्र में हमारे नागरिक सुरक्षित भारत लाने का काम किया, ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। भारत ने G20 में जिस तरह का विराट आयोजन किया, उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। पूरी दुनिया से आए नेताओं ने हमारे प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व क्षमता की दिल खोल के प्रशंसा की और उन्होंने कहा ऐसा नेतृत्व पूरे विश्व में पहली बार देखने को मिलता है कि हमारे प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं लोग कहते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी आए हैं, पता नहीं क्या कहेंगे, क्या बात कहेंगे, ये एक उत्सुकता उनके मन में रहती है। हमारे प्रधानमंत्री जी का हर एक शब्द हम देशवासियों के लिए ज्योतिपुंज जैसा है, जिसके आलोक से हमारा देश उन्नति के कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ रहा है। आपकी सोच राजपथ के कर्तव्य पथ को बदल देने का काम करती है, ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए जो आपने जो मार्ग प्रदर्शित किया है, उससे पूरी दुनिया में भारत की छवि सकारात्मक हुई है और भारत के प्रति जो कमजोर देश थे उनके मन में यह भाव पैदा हुआ है कि अगर हम हैं तो हमारे साथ भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे साथ हैं, दुनिया का कोई देश दूसरा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये उनके मन में एक दृढ़ इच्छा शक्ति उनके मन में पैदा हुई है। मित्रों, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस पूरे देश को अमृतकाल की अवधारणा से आपने परिचित कराया। अमृतकाल न्यू इंडिया के लिए प्रधानमंत्री जी का विजन है, जो देश के लिए एक नया सवेरा, जो भारत की आकांक्षाओं को पूरा करने का मौका अपने साथ लाएगा। आपका यह विचार देश के लिए मॉडल बन गया, मैं ऐसा आज निवेदन करना चाहता हूं। मित्रों निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान में आए हमारी सरकार को 3.5 महीना के लगभग हुए हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं इस सीकर और झुंझुनू और चूरू को, और मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि 7 दशक की मांग हमारी यमुना पानी के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरी की है। और यह समझौता माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से हमने बात रखी और किया है, मैं निश्चित रूप से ये हमारी चूरू की धरती, हमारे झुंझुनू की, हमारे सीकर की धरती, हमारी जमीन उपजाऊ है लेकिन पानी की कमी है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पीने का पानी भी मिलेगा और खेत के लिए भी पानी मिलेगा, इसके लिए जोरदार तालियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी की गारंटी यानी पूरा होने की गारंटी, ये गारंटी, और आपने देखा होगा हमने जो SIT गठित करके माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो राजस्थान नकल माफिया बन गया था, उस माफिया को आज आपने देखा है वो 65 से 85 की संख्या पहुंच गई है जिनको गिरफ्तार किया है और अभी आगे और होना है। आप देखते जाइए जो गारंटी दी है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, एक एक गारंटी पूरी होगी।
मित्रों मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यहां गैंगस्टर आते थे, आपको पता है जिस तरह से गैंगस्टर आते थे, गोली चला करके चले जाते थे, हमारे उद्योगपतियों को धमकाते थे, हमने एंटी गैंगस्टर फोर्स का माननीय प्रधानमंत्री जी के गारंटी के तहत हमने निर्माण किया और आप देख रहे हैं अब राजस्थान से वो गैंगस्टर भाग रहे हैं, एक भी गैंगस्टर आपको नहीं दिख रहा है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मित्रों, जो हमने हमारा संकल्प पत्र है वो संकल्प पत्र हमने हमारे 90 दिनों के अंदर हमने 40 और 45% तक पूरा करने का काम किया है। हम आपको ये